दोस्तों, भारत में आपने कई धार्मिक यात्राओं के बारे में सुना होगा, जैसे कि अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी, कैलाश मानसरोवर, चारधाम और भी बहुत सारे। इन सब के बारे में तो आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, परंतु कुछ ऐसी यात्राएं हैं जिसके बारे में हम भारतवासी ना के बराबर जानते हैं, और उनमें से एक है नागलोक की यात्रा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये कोई मजाक और फेक जानकारी नहीं है। दोस्तों, नागलोक जाने का ये रास्ता साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि घने जंगलों और पहाड़ियों से गुजरते हुए एक निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचकर कोई भी इंसान आगे नहीं जा सकता, और अगर गया तो वापस आना नामुमकिन है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नागों को उच्च श्रेणी का माना गया है। धर्म ग्रंथों में नागों का निवास यानी नागलोक को मृत्युलोक से उच्च स्थित माना गया है। ऐसे में आज हम आपको नागों के एक ऐसे स्थान के बारे में जानकारी देंगे जहां की यात्रा और दर्शन का मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पंचमढ़ी की घने जंगलों और पहाड़ों के बीचों बीच एक गुफा है जिसका रास्ता सीधे नागलोक तक जाता है और जिसे नागद्वारी कहते हैं। लेकिन गुफा के इस दरवाजे तक पहुँचने के लिए खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई और बाड़ी से भीगे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर आप उस स्थान यानी नागद्वारी तक पहुंच सकते हैं। ऐसे कई लोग चाहकर भी इन रास्तों पर नहीं जा पाते। जानकारों के अनुसार नागद्वारी की यात्रा करते समय रास्ते में कई जहरीले सांपों से भी भक्तों का सामना हो जाता है, लेकिन खास बात तो ये है कि ये सांप भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। श्रद्धालु सुबह से नाग देवता के दर्शन के लिए निकलते हैं और 12 किलोमीटर की इस पैदल पहाड़ी यात्रा को पूरा करके लौटने में भक्तों को 2 दिन लग जाते हैं। नागद्वारी यात्रा के दौरान भक्तों को रास्ते में अमरनाथ यात्रा का एहसास होता है। यहाँ के पहाड़ और गुफा का दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे आप अमरनाथ यात्रा कर रहे हो। वही यात्रा के दौरान करीबन हर कदम पर खतरा बना रहता है, लेकिन भक्तों द्वारा ये यात्रा कई खतरों के बाद भी पूरी की जाती है। बताया जाता है कि नागद्वारी की यात्रा और दर्शन का मौका साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है। यहाँ सतपुरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण रिजर्व फॉरेस्ट प्रबंधन यहाँ जाने वाले रास्ते का गेट बंद कर देता है। वही हर साल नाग पंचमी पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है। इस मेले के लिए लोग जान जोखिम में डालकर कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचते हैं। बताया जाता है कि ये गुफा करीबन 32 मीटर लंबी है। इस गुफा में नागदेव की कई मूर्तियाँ हैं। वही गुफा से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा में स्वर्ग द्वार मौजूद है और यहाँ भी नागदेव की ही मूर्तियाँ हैं। बताया जाता है कि नागद्वारी मंदिर की धार्मिक यात्रा 100 साल से भी अधिक पुरानी है। यहाँ पर लोग कई पीढ़ियों से नाग देवता के दर्शन के लिए मंदिर में आते रहते हैं। माना जाता है कि जो लोग नागद्वार तक पहुँचते हैं उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। नागद्वारी तक लोग कुछ मुश्किलों का सामना करते हुए पहुँच तो जाते हैं, लेकिन इसके आगे लोग जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इसके आगे का रास्ता बहुत ही दुर्गम और खतरनाक है। कई लोगों ने इसके आगे मिलने वाली गुफाओं में भयंकर नागों के होने का दावा भी किया है। यहाँ की गुफाएं इतनी भयानक है कि इसे देखने मात्र से ही कलेजा मुंह तक आ जाता है। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन है तो मध्य प्रदेश में स्थित नागद्वारी की धार्मिक यात्रा को एक बार जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आने का पूरा पता हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।